जानिए बुजुर्गी के बारे में मुकम्मल तफसील। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो अफराद जिन्हें उनकी तारीख पैदाइश के बारे में नहीं मालूम, वो अपने नाम के पहले हर्फ के मुताबिक अपने बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। और बुर्ज जद्दी के बेशतर अफराद मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक और कदामत पसंद होते हैं, महजब होते हैं, सबका एहतराम करना अपना फ़र्ज समझते हैं। ये काबिल एतमाद, फर्शनास, जफाकश, दयानतदार और अमल पसंदीन की मुस्बित खसूसियात में शामिल है। और ये अफराद अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने और आगे बढ़ने की हिम्मत और लगन रखते हैं। और जद्दी अफराद की ज़्यादा तादाद तकरीबात में शिरकत नहीं करती। ऐसा भी नहीं कि तकरीब और महफलों को अटेंड ही नहीं करते हैं, लेकिन समाजी तकरीब में सबसे अलग और नुमाया नज़र आते हैं। और इन अफराद की आवाज़ में नरमी और सुकून का अंसर नुमाया होता है। ये खुश गुफ्तार होते हैं, दूसरे लोग इनके लहजे और अंदाज से अपनाइत महसूस करते हैं। ये मुतहम्मिल मिजाज और साबिर होते हैं, अपने रास्ते से इधर उधर होना पसंद नहीं करते, इनका सफ़र जारी रहता है। ये अपने रास्ते पे अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहते हैं और इनकी ज़ात बेज़र्र होती है, लेकिन किसी हद तक इनमें सरकशी का अंसर भी मौजूद होता है। इनके तौर तरीक़े और आदात व अतवार जो हैं वो पसंदीदा होते हैं, और यही वजह है कि लोग इन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचते। ये लोग बेवकूफ़ नहीं होते और अपने इसी सीधेपन का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे लोगों की कमज़ोरियों और रकाबतों से आगाह हो जाते हैं। और यही अहम वजह होती है कि अमली ज़िंदगी में अमूमन हर सतह पर इनका पल्ला भारी रहता है। और तबन ये लोग दिलेर, हौसलामंद, जिंदा दिल होते हैं, और बज़ाहिर यूँ महसूस होता है कि ये अफराद तन्हाई पसंद हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और बातनी तौर पर ये लोग खुशामद पसंद करते हैं और लोगों को सरप्राइज़ देने से इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इनका मिजाज हाकमाना होता है और जद्दी लोग ज़रूरत से ज़्यादा अमल पसंद, मादी अशिया और अपनी इकदार के दिलदादा होते हैं, और ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हर हर लम्हा भरपूर इस्तेफादा करते हैं और ज़िंदगी में हर पल ये जो हैं वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश रहते हैं। इन्हें आसाइशात या फवाइद फौरी हासिल नहीं हो जाते हैं। इन अफराद को कामयाबी के हुसूल के लिए सख्त मेहनत और जद्दोजहद करने पड़ती है। ये लोग दूसरों के काम में मदाखलत नहीं करते, अमूमन अपने काम से काम रखते हैं, और ये ना तो ज़्यादा नसीहत करते हैं और ना ही ख्वामखा मशवरे देते हैं। लेकिन अगर कोई इनसे मशवरा चाहे तो मशवरा भी दे देते हैं, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी रखते हैं कि इनके मशवरों पर अमल भी किया जाए। और अगर कोई इनके मशवरे को समझ ना पाए तो ये अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और असल बात का मौजू ही तब्दील कर देते हैं। और बचपन में ही बीमार रहते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ इनकी सेहत जो है वो सही होती जाती है। ये कामयाब ज़िंदगी गुजारने वालों को बहुत पसंद करते हैं और ये हर किस्म के माहौल में घुल मिल जाते हैं और अपने घर और घर वालों को बहुत अजीज़ रखते हैं। और जद्दी ख़वातीन जो है वो दिलकश शख्सियत की हामिल और अमल पसंद होती हैं। बज़ाहिर इनकी आदत और अदवार जो हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि ये चट्टान की तरह सख्त हैं, लेकिन इन पर बेक वक्त कई मूड तारी रहते हैं। ये अपने मूड के ताबे होती हैं और ये ख़वातीन मजाक का निशाना बनना कतई पसंद नहीं करती, बेजा खुशामद से भी चिढ़ जाती हैं। और इन ख़वातीन की खासी तादाद जो है वो मुलाजमत पेशा होती है और ये चाहती हैं कि माशरे में इन्हें इम्तियाजी मुकाम हासिल हो। तो दोस्तों, ब्रिजेस के बारे में मालूमात अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।